हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं डिजिटल नोटिस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल रिपल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और रिपल ने अपना एक नया ऑफिस भी सेटअप कर दिया है मुंबई में, तो ये इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो क्रिप्टो लवर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी लवर्स हैं इंडिया में, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि भाई अब इंडिया में एक ऑफिशियल ऑफिस आ गया है रिपल का। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी किया है और जिसके बारे में हमने बताया है कि भाई क्या क्या हुआ है। तो रिपल जैसे जैसे पॉपुलैरिटी में आया, वैसे ही हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन भी बढ़ते गए कि भाई कैसे हम रिपल खरीद सकते हैं इंडिया में। बिकॉज इंडिया में हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू जो आता है कि कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं है जहां से हम INR से या तो खरीद पाएँ, मतलब कोई भी ऑल्ट कॉइन। ठीक है, तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या रिपल हम किस तरीके से हम खरीद सकते हैं, क्या डायरेक्टली खरीद सकते हैं, क्या इनडायरेक्टली ही हमें खरीदना होगा, मतलब पहले बिटकॉइन खरीदें और फिर उसको एक्सचेंज करें। तो आज हम दोनों इसमें प्रोसेस बताने वाले हैं इस वीडियो में पूरा डेमोंस्ट्रेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिपल के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम डायरेक्टली इंडियन एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। हाँ जी, एक दो इंडियन एक्सचेंज ऐसे हैं जो अभी प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी कि हम डायरेक्टली जो है रिपल कॉइन उनसे परचेज कर सकते हैं। दूसरा है कि जो एक पहले जो मोस्टली जो आप क्रिप्टो लवर्स हैं इंडिया के जो ट्रेड करते हैं, उन्हें मालूम ही है कि किसी भी ऑल्ट कॉइन में जब वो ट्रेड करते हैं तो पहले उन्हें कहीं ना कहीं BTC खरीदना पड़ता है और BTC खरीदने के बाद उन्हें एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिनके पास डॉलर्स में भाई नहीं, ऑफकोर्स इंडियंस हैं तो भाई हमारे पास INR में ही होगी करेंसी। तो यहाँ पे ये उनके लिए है कि भाई पहले हमें मजबूरन इंडियन एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे, मतलब BTC खरीदने पड़ेंगे, और फिर मतलब रिपल में हमें उसे किसी भी एक्सचेंज से उसको एक्सचेंज करना होगा। तो आई गेस इतना आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारी कि भाई अगर हम रिपल खरीदना चाहते हैं भाई किसी भी तरीके से, चाहे पहले तरीके से खरीदना चाहें या दूसरे तरीके से खरीदना चाहें, जो दो तरीके हमने बात करी है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। तो बेसिकली सबसे मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक रिपल वॉलेट तो होना ही चाहिए। फिर अगर हम दूसरे केस की बात करें तो उसमें हमारे पास एक बिटकॉइन वॉलेट भी होना चाहिए, बिकॉज हम बिटकॉइन्स खरीदेंगे किसी एक्सचेंज से तो हमारे पास बिटकॉइन वॉलेट हो, उसमें हम रखेंगे, फिर तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे। और जब हमें INR से ख़रीदना है तो ऑफकोर्स जिस भी एक्सचेंज से, मतलब इंडियन एक्सचेंज से हम इंडियन कंपनी से जब ख़रीदने वाले हैं बिटकॉइन, तो हमारा इंटरनेट बैंकिंग अनेबल्ड होना चाहिए हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। फिर जब हम बात करते हैं रिपल वॉलेट की, तो रिपल वॉलेट हम बना सकते हैं github.net में, और ये काफ़ी मैं जो रिकमेंड करूँगा यही करूँगा, काफ़ी अच्छा एक रिपल का एक्सचेंज है और ट्रेड है, तो सॉरी एक वॉलेट है। तो यहाँ आप इजीली एक अकाउंट बना सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसका थोड़ा सा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा GitHub इस तरीके का आपको दिखेगा github.net पर, और आप यहाँ पे एक वॉलेट भी बना सकते हैं। ये बेसिकली एक रिपल एक्सचेंज भी है जहाँ पे आप एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक बना सकते हैं, और भी कोई भी जो डेस्कटॉप वॉलेट वगैरह जो आपको सूट करता है आप वहाँ पे अपना ईजिली रिपल वॉलेट बना सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यहीं होना चाहिए। ठीक है, आई गेस इतना समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं कि हम किसी इंडियन एक्सचेंज से अगर हमें ख़रीदना है अगर रिपल डायरेक्टली, तो हम कौन सा एक्सचेंज है। जी हाँ, एक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग है इंडिया में जिससे हम अपना रिपल ख़रीद सकते हैं डायरेक्टली, और मैंने जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं btxindia.com एक है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज अच्छा तो है लेकिन ये अभी बीटा वर्जन में है और मैंने अभी इसको खुद पर्सनली टेस्ट नहीं किया है। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इसको तो आप टेस्ट कर सकते हैं और आप यहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बीटा वर्जन में है इसलिए मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है कि ये कितना एफिशिएंट है, कितना इजी टू यूज़ है, कितना यूज़र फ्रेंडली है। तो ये चीज़ आपको चेक करने पे ही पता लगेगी, लेकिन इसका भी एक लुक मैं दिखा देता हूँ कि जहाँ जाकर आप इस पर ख़रीद सकते हैं एक वॉलेट, रिपल वॉलेट भी बना सकते हैं और रिपल यहां से डायरेक्टली INR से ख़रीद भी सकते हैं।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे BTX इंडिया जो है ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा वर्जन में है, और यहाँ पर आप रिपल जो है डायरेक्टली मतलब सिंपली एक क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं, या अगर आप जिन लोगों का अकाउंट है वो आप लॉगिन कर सकते हैं और सिंपली आप यहाँ पर रिपल खरीद सकते हैं। फॉर अभी देख सकते हैं रेट क्या है रिपल का, जो INR में चल रहा है 14.74 चल रहा है, तो आप इस प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं और यहाँ होल्ड करके रख भी सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक वॉलेट भी है, मतलब रिपल का जो है वॉलेट भी है, मतलब एक्सचेंज के साथ साथ आप वॉलेट भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो आई गेस इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप एक इजीली यहाँ से अगर एक वॉलेट यहाँ पे भी बना सकते हैं, गेटअप पे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, getup.net पे भी आप बना सकते हैं, एक यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं आप बना सकते हैं। और यहाँ से आप डायरेक्टली अगर आप खरीदना चाहते हैं INR से तो यहाँ पे आप करें, बिकॉज वो एज़ कम्पेयर टू पहले BTC खरीदो फिर एक्सचेंज करो, वहाँ पे BTC खरीदने पे भी कुछ चार्जेस लगेंगे, कुछ फीस ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, और उसके बाद फिर आप जब एक्सचेंज में करेंगे तो भी आपको कुछ फीस लगने वाली है जब एक्सचेंज करेंगे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ से डायरेक्टली खरीदें, तो वहाँ पर आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस जो लग रही हैं बार बार वो यहाँ पर बच सकती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा तरीका कि भाई हम BTC खरीदें इंडिया में और किसी इंडियन एक्सचेंज से, इंडियन कंपनी से, और फिर उसको हम रिपल्स में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं इंडिया में जो सबसे बेस्ट हैं, तो इसके अलावा भी काफ़ी, जो तीन बेस्ट ऑप्शन हैं वो यूनिकॉइन है, कॉइन सिक्योर है और ज़ेप है, तीनों बिटकॉइन एक्सचेंज हैं इंडिया के, तीनों आपको वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। बस जो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है कि ज़ेप पे में है, ज़ेप पे क्योंकि आपका वेब बेस्ड नहीं है, ये मोबाइल ऐप है, दैट्स इट, कि यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप सब कुछ करेंगे, यहाँ पे ये वेबसाइट का प्लेटफॉर्म नहीं देते। यूनोकॉइन और कॉइन सिक्योर दोनों वेबसाइट एज वेल एज मोबाइल का दोनों का प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट मतलब दोनों सपोर्ट करते हैं, और आपको दोनों, चाहे आप मोबाइल ऐप से परचेज करें चाहे आप उनकी वेबसाइट से परचेज करें, दोनों आप कर सकते हैं। फिर किसी भी एक्सचेंज पे, कोई भी एक्सचेंज आप चाहें, बिट्रेक्स ले लीजिए, बिटफिनिक्स ले लीजिए, यहाँ पे मैं आपको चेंजली का एग्जांपल दूंगा कि मैं चेंजली को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी इजी है, काफ़ी समझने में कोई इतना मुश्किल कुछ है नहीं चेंजली में। और ये जितने भी नाम मैंने अभी तक लिए हैं, जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी वॉलेट जहाँ पे, जितनी भी वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए हैं, इनके सारे के सारे मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऑफ कोर्स वो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं और अपना वॉलेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ पे हम यूनोकॉइन वगैरह पे कैसा हमारा जो लुक है वो क्या है, कॉइन सिक्योर कैसा दिखता है, ज़ेप पे कैसा दिखता है। तो मैं आपको इससे एक लुक दिखा देता हूँ फिलहाल इसका। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूनोकॉइन आपको कुछ इस तरीके दिखेगा, यहाँ पे एक अपना अकाउंट ईजिली बना सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जा सकते हैं इस पर और आप बना सकते हैं। ज़ेप पे भी ही सिमिलर है, लेकिन ज़ेप पे सिर्फ यहाँ पे एंड्रॉयड और iOS को सपोर्ट करता है, वेबसाइट के थ्रू आपको कोई मतलब उसमें परचेजिंग एंड कुछ नहीं होता है वेबसाइट पर, वेबसाइट इज दैट बस एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है, दैट्स इट। कॉइन सिक्योर पे भी आपको दोनों प्लेटफॉर्म मिलते हैं और यहाँ पे भी आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन एक्सचेंजेस हैं तो यहाँ पे आपको KYC डिटेल्स के थ्रू जाना पड़ता है, आपको अपना पैन कार्ड, आधार नंबर वगैरह यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है। तो वंस आप एक अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको बिटकॉइन खरीदने होंगे और बिटकॉइन ईजिली आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम किसी, मैं यूनोकॉइन की हेल्प मतलब यूनोकॉइन के अकाउंट से आपको आगे के चीज़ें बताऊंगा कि भाई आप यूनोकॉइन पर अकाउंट क्रिएट करके आप कैसे आगे परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने यूनोकॉइन अकाउंट में लॉगिन कर लिया, अभी अपना अकाउंट क्रिएट करके उस पर लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि बाय प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आपका जो डैशबोर्ड है, आपके पास कितने बैलेंस है, क्या है, सारा कुछ है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी कम बैलेंस है, मैंने दूसरे वॉलेट में अपने शिफ्ट कर दिए हैं सारे। और यहाँ पे ऑप्शन आपको जो आ रहा है बाय बिटकॉइन एंड सेल बिटकॉइन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप बाय बिटकॉइन पे जा सकते हैं। और ये अकाउंट आपका तब एक्टिवेट होगा जब आपकी KYC डिटेल पूरी हो जाएगी, यानी मतलब वो जब आपको पूरी तरीके से
अप्रूव कर देंगे। और यहाँ पे जो पेमेंट ऑप्शन है, देखिए मैंने क्या कहा कि या तो आपके पास पहले से कुछ INR बैलेंस होना चाहिए था, मतलब आपका INR बैलेंस होना चाहिए था यूनोकॉइन के पास, या आप पे यू मनी के साथ कर सकते हैं, या आप सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिटकॉइन डाल सकते हैं, ऑफकोर्स जितने भी आप बिटकॉइन से, सपोज़ हमने कहा एक बिटकॉइन हमें ख़रीदना है, तो वो देखिए उसके प्राइसेस आ गए 270,000 आ गए, इतनी आपको फ़ीस लगेगी, टैक्सेस इतने लगेंगे और नियर अबाउट आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपनी नेट बैंकिंग वगैरह चूज़ करिए और बाय कर सकते हैं यहाँ से आप। तो आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, आपको नेट बैंकिंग करनी आती ही है। तो नेट बैंकिंग करने के बाद आप यहाँ पे आपके जो डैशबोर्ड है उसमें आपका जो बैलेंस है नियर अबाउट कुछ देर में 15 से 20 मिनट में वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये आपका ही है, अगर किसी वजह से नहीं आते हैं थोड़ी देर तो आप प्लीज़ वेट करिए, बिकॉज़ आप रिपीटेड ट्रांजेक्शन मत करिए, बिकॉज़ थोड़ा थोड़ा कभी टाइम लग जाता है ब्लॉकचेन प्रोसेस में, तो इसलिए थोड़ी लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी 45 मिनट्स तक भी ले जाते हैं आपके कॉइन्स आने के लिए, आपके डैशबोर्ड में शो अप होने के लिए। तो आप उसमें वरी ना करें, आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रिपल की, सॉरी एक्सचेंज की, जिसमें हमने changely.com के बारे में मैंने कहा, मैंने रिकमेंड करता हूँ। तो changely पे जाके आप देखिए, बहुत एक सिंपल सा इंटरफेस है। आप यहाँ पे कितना BTC इनको चेंज करना चाहते हैं, से हमने कहा हम 0.5 BTC को कन्वर्ट करना चाहते हैं और हम करना चाहते हैं उसको, यहाँ पे देखिए इतने सारे जो ऑल्टकॉइंस हैं जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम यहाँ रिपल को चूज़ कर लेते हैं। तो रिपल 0.5 वो कैलकुलेट कर लेगा और यहाँ पर आ जाएगा कि कितने 0.5 BTC में कितने रिपल आने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि आ गया है, इसने कैलकुलेट कर लिया है कि यहाँ पे हमें जो मिलने वाले हैं वो 9,702.245 रिपल पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं 0.5 BTC के अंदर। फिर हम यहाँ पे एक्सचेंज, ऑफ कोर्स इस पे भी आपको मैं बताना भूल गया कि changely पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं ऑलरेडी एक यूज़र हूँ, ठीक है। तो हम न्यू यूज़र आप कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मैं ऑलरेडी एक यूज़र हूँ, तो मैं आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखाएगा, एक्सचेंज रेट वगैरह सारा ये आपने दिखा देगा, और यहाँ पर इसके बाद आपको जो फ़ी है वो इतनी लगेगी, सारा कुछ वो रहेगा, और आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आपका वो XRP एड्रेस मांगेगा, ठीक है। तो आप अपना XRP एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, वो XRP हम एड्रेस ले आते हैं अपना, तो मेरा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा रिपल एड्रेस है वो ये है, और मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रिपल एड्रेस जहाँ मांग रहा है मैं अपना कॉपी करके लाया हूँ, और यहाँ पे अपना रिपल एड्रेस प्रेस कर दिया है। डेस्टिनेशन टैग, कई सारे रिपल वॉलेट्स ऐसे होते हैं जो डेस्टिनेशन टैग भी मांगते हैं, लेकिन हमारा जो गेटअप का वॉलेट है वो डेस्टिनेशन टैग नहीं मांगता, इसलिए बस मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए जब ये नेक्स्ट हो गया है तो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। अब यू सेंड 0.5 BTC, ठीक, रेसिपिएंट एड्रेस दिस, कंफर्म एंड मेक पेमेंट। तो अब आपको इनका ये मतलब changely वालों का एक एक्सचेंज मिल जाए, मतलब एक वॉलेट का एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपने बिटकॉइन जो है सेंड करने होंगे। तो जो आपको अमाउंट है सेंड जो करना है 0.05 BTC टू द एड्रेस बिलो, जैसे ये लोग मांग रहे हैं, आपको यहाँ पे ये सेंड करना होगा। तो यहाँ से हम ये एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, अपने यूनोकॉइन पे जाते हैं, और यूनोकॉइन में जाने के बाद हम यहाँ से सेंड कर देते हैं। सेंड करने में ठीक है, आप जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं, 0.5 हमें जो 0.5 बिटकॉइन हमें भेजने हैं, और हम बस बाय रिपल कुछ भी जो आप मैसेज देना चाहते हो आप दे सकते हो, और आप यहाँ पे सेंड मनी कर सकते हो। अब मेरे वॉलेट में अभी इतना अमाउंट है नहीं, इसलिए मैं ये आगे करके नहीं दिखा सकता। तो आप यहाँ से इजीली सेंड कर दोगे, जब आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कन्फर्म हो जाएगी, उसके बाद आप अपना गेटअप जो आपका गेटअप
वॉलेट है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो पेमेंट, और आपको यहाँ पे जो एक्सचेंज है आपका ये जो चेंजरी जहाँ से आपने किया था, यहाँ पर जाने के बाद भी आप अपनी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं यहाँ पर आप जाकर हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो। माय अकाउंट में जाइए और हिस्ट्री में आप देख सकिए कि जो आपने पहले जो चेंजेस की, जो भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें आ गई होगी। तो ये देखिए मेरी पुरानी ट्रांजैक्शन सारी आ गई हैं इसमें, और यहाँ पे ये वेटिंग फॉर पेमेंट भी दिखा रहा है। तो इसमें हमने अभी पेमेंट नहीं की है जो फर्दर हमने अभी करने की कोशिश की थी। तो ये एक तरीका है भाई रिपल ख़रीदने का इंडिया में। तो आई गेस आपको ये समझ आया होगा कि आप कैसे रिपल ख़रीद सकते हैं इंडिया में, और एक ऐसा कॉइन है रिपल जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है जो मुझे लगता है, और अब इंडिया में भी आ गया है तो देखते हैं इसके प्राइसेस कहाँ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे लिए बहुत काउंट करता है। शेयर करिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।